गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। आवर टुडेज़ टॉपिक इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 78-79 इन एनसीईआरटी बुक। यू हैव टू रीड दिस टॉपिक। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की। ये होती क्या है? ये सारी प्रॉपर्टीज जैसे वैलेंसी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई, जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड है एटम के स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट से, उन्हें हम क्या कहते हैं? एटॉमिक प्रॉपर्टीज। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट्स का, वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर से, यानी वो रिपीट होते रहती हैं आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स में, जिसकी वजह से ये जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज भी पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर्स ऑफ द एलिमेंट के। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है? जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के सेंटर से आउटरमोस्ट शेल में, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएशन इसका एटॉमिक रेडियाई का इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले है वेरिएशन अलोंग द पीरियड। जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होता है जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है बाय वन यूनिट हर एक एलिमेंट के लिए। लेकिन जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो सेम हो रहे हैं, यानी सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज की बढ़ने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स के, वो अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। नाउ स्टूडेंट, अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं सेकंड ग्रुप के, सेकंड पीरियड के और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का। यहाँ पे हमें गिवन है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो हम इनके एटॉमिक रेडियस से देख सकते हैं इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ऐसा इस वजह से क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे फ्लोरीन और नियॉन के केस में, यहाँ पे अब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस, ऐसे क्लोरीन और आर्गन के केस में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नोबल गैसेस हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुल्ली फिल्ड होते हैं और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मैक्सिमम होता है। इस वजह से ऐसा हो रहा है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम हेलोजन्स टू इनर्ट गैस। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएशन विद इन अ ग्रुप। जो एटॉमिक रेडियस है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ऐसा क्यों हो रहा है? कि जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है और न्यू एनर्जी शेल एड हो रहा है, जिसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दूर दूर होते जा रहे हैं न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ रहा है, यानी न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन जो इफेक्ट है एडिंग एड करने का, जो इफेक्ट है न्यू एनर्जी शेल का, वो इतना ज्यादा है कि वो आउटवे कर रहा है कॉन्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज को।
जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लगी ताकि हम रिमूव कर सके जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए इनटू गैसियस कैटायन, उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर एनर्जी। ये कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, मेटल जो है गैसियस स्टेट में है प्लस डेल्टा आई एच से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट गिव्स एम पॉजिटिव गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन गैसियस, यानी बहुत कम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी ताकि हम जो बाहर का जो आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए इनटू गैसियस कैटायन, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर एनर्जी। जहां पे एम जी क्या है और एम पॉजिटिव जी क्या है, गैसियस एटम, और एम पॉजिटिव जी है गैसियस कैटायन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट्स क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी की। ये मेजर्ड होती है इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर किलो कैलोरीज पर मोल या किलो जूल्स पर मोल, इसमें होती है। नाउ स्टूडेंट, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज ये क्या होती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि हम रिमूव कर सके जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इसे हम डिनोट करते हैं एम गैसेस प्लस डेल्टा आई एच वन गिव्स एम पॉजिटिव गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गैस। सिमिलरली जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन और थर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सके, उसे हम सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज कहते हैं। एम पॉजिटिव गैसेस प्लस डेल्टा आई एच टू गिव्स एम टू पॉजिटिव गैसेस प्लस इलेक्ट्रॉन गैसेस। ऐसी M2 पॉजिटिव गैसेस प्लस डेल्टा आई एच थ्री गिव्स M3 पॉजिटिव गैसेस प्लस इलेक्ट्रॉन गैसेस। तो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं जो रिक्वायर्ड हुई टू रिमूव फर्स्ट सेकेंड थर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, उन्हें हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। तो सबसे ज्यादा किसमें, डेल्टा आई एच थ्री सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड ज्यादा है, देन सेकेंड और देन फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम वेरिएशन देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की पीरियोडिक टेबल में। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ऐसा क्यों होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज क्यों होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्योंकि जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, हमने अभी डिस्कस किया था न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ रहा है और साइमल्टेनियस डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस में, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर टाइटली न्यूक्लियस से जुड़े रहते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली हेल्ड होते हैं बाय द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कीप्स ऑन इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएशन विद इन अ ग्रुप। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद इन अ ग्रुप, क्योंकि जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि इट इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ वन प्रिंसिपल एनर्जी शेल्स, क्योंकि शेल्स बढ़ते रहते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता रहता है, जो डिस्टेंस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द न्यूक्लियस वो इंक्रीज होता रहता है, और जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो कम होता रहता है, और इसकी वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो जो वेरिएशन है
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी का वो इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, और वेरिएशन विद इन अ ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है विद इन अ ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, प्रिंसिपल एनर्जी शेल बढ़ रहा है इसकी वजह से।